नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। तो आज हमने एक नया चैप्टर पढ़ेंगे, एक यूनिक चैप्टर पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर का जो नाम रहेगा वो रहेगा डिवाइस, यानी कि डिवाइसेस है। आपने देखेंगे कि जो रेजिस्टेंस हो गया, कैपेसिटर हो गया, इंडक्टर हो गया, ट्रांजिस्टर हो गया, डायोड हो गया, ये अलग अलग तरीके से इनको डिफाइन किया जाता है। कौन सा यूनिपोलर है, कौन सा बाइपोलर है, कौन सा करंट कंट्रोल है, कौन सा वोल्टेज कंट्रोल है, करंट सोर्स कौन सा होगा, एक्टिव पैसिव, ये आपसे अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछ देते हैं। पर्टिकुलर आप लोग किसी भी बुक में देखेंगे तो आपको इनके बारे में स्पेशल जानकारी नहीं मिलती। आईटीआई की बुक्स के अंदर तो स्पेशल कहीं भी ये टॉपिक नहीं दिया, ठीक है, लेकिन फिर भी आपके इसके अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसके अंदर देखो, अपने जो चैप्टर जो रहेगा इसके अंदर हमने क्या क्या चीज़ पढ़ने वाले हैं। तो पहला जो अपना इसके अंदर जो पॉइंट रहेगा अपने, ठीक है, वो अपने पढ़ेंगे। तो ये बहुत ही एक अच्छा यूनिक चैप्टर है, तो इसके बारे में देखें आप लोग क्या क्या चीज़ें आप लोग इसके अंदर पढ़ने वाले हो। तो सबसे पहले देखेंगे अपने, देखो सबसे पहला रहेगा अपने पास, एक तो रहेगा करंट, एक तो रहेगा वोल्टेज, ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ। एक तो अपने बात करेंगे सोर्स, सोर्स एक तो कौन सा होगा, वोल्टेज होगा, और एक कौन सा होगा, करंट होगा, ठीक है। यानी कि आपको ये पूछेगा करंट सोर्स कौन सा होना चाहिए, वोल्टेज सोर्स कौन सा होगा, या इसमें कौन से गुण होने चाहिए, प्रतिरोध क्या होना चाहिए। एक अपने बात करेंगे कंट्रोलिंग सिस्टम, ठीक है, तो एक तो अपने पास आएगा वोल्टेज कंट्रोल होगा, और दूसरा कौन सा होगा, करंट कंट्रोल होगा, ठीक है। फिर इसके अंदर एक आएगा ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, तो एक अपने पास आएगा वोल्टेज ऑपरेट आएगा, और एक अपने पास कौन सा आएगा, करंट ऑपरेट आएगा, ठीक है। तो इस पॉइंट के ऊपर हमने छह, इन छह चीजों के बारे में बात करेंगे, सोर्स कंट्रोल और ऑपरेट, इन तीनों छह के बारे में देखेंगे हमने कि छह पॉइंट क्या है और इन छह पॉइंट के अंदर क्या क्या चीजें आएंगी और यहां से सवाल कैसे पूछे जा सके। तो इसके अंदर हमने कुछ चीजें पढ़ने वाली, तो सबसे पहला जो हमने बात करेंगे वो करेंगे वोल्टेज सोर्स के ऊपर, ठीक है, यानी कि वोल्टेज सोर्स क्या रहेगा। वोल्टेज सोर्स का मतलब ये हो गया विभव स्रोत या वोल्टता स्रोत। अब एक चीज आप लोग यहां से देखें, देखो वोल्टेज सोर्स, सोर्स का मतलब ये होगा साधन, यानी कि अगर आपके पास क्या है, कोई भी सेल हो गया, बैटरी हो गया, ट्रांसफार्मर हो गया, अल्टरनेटर, ये सारे के सारे आपको क्या देते हैं, वोल्टेज सोर्स के रूप में काम करते हैं। तो यहां से ये जो आपको वोल्टेज प्रदान करने का जो काम करते हैं, जो वोल्टेज प्रदान करते हैं वो किस प्रकार के होंगे, वो होंगे अपना, ठीक है, वो कौन सा होगा, वोल्टेज सोर्स, यानी कि वे युक्तियां जो काम क्या करती है, वोल्टेज को प्रदान करेगी, वे युक्तियां जो लोड होगा, ठीक है, लोड को क्या करती है, वोल्टेज को क्या करेगी, प्रदान करेगी, वोल्टेज क्या करती है, प्रदान करेगी। तो एक बात याद रखनी। दूसरी बात देखो, यहां से अगर मैं वोल्टेज सोर्स के बारे में बात करूं तो इनका इंटरनल रेजिस्टेंस, यही सवाल सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि वोल्टेज सोर्स का आंतरिक प्रतिरोध क्या होना चाहिए, आदर्श का क्या होना चाहिए। तो अगर मैं इस वोल्टेज सोर्स के बारे में बात करूं तो वोल्टेज सोर्स अगर आपने देखे, ये मेरे पास क्या सेल है, अब आप लोगों ने यह पढ़ा होगा कि सेल जब क्या होगा, चार्ज होगा, उस समय इसका आंतरिक प्रतिरोध होगा वो क्या होगा, वो होगा कम, अगर आदर्श है तो क्या बोलेंगे, जीरो। अगर ये क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज, तो ये आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ेगा, अगर ये आदर्श दिया है तो क्या लिखेंगे, अनंत। इसका मतलब जो वोल्टेज सोर्स होगा इसका आंतरिक प्रतिरोध क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, और अगर इसका ज्यादा हुआ तो ये सारा का सारा जो ड्रॉप होगा वो खुद करेगा और यहाँ जो लोड होगा उसको कुछ भी नहीं मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो वोल्टेज सोर्स होगा उसका आंतरिक प्रतिरोध क्या होना चाहिए, यानी कि आंतरिक प्रतिरोध क्या होना चाहिए, कम, आंतरिक प्रतिरोध क्या होना चाहिए, ठीक है। तो दो चीजें मैं यहां लिख रहा हूं, प्रैक्टिकली, प्रैक्टिकली का मतलब ये होगा कि नॉर्मल कंडीशन के अंदर अगर अपने बात करें तो कम होना चाहिए, और आइडियल अगर कंडीशन दे दी तो क्या होना चाहिए, जीरो। तो आइडियल अगर देगा तो क्या लिखेंगे, जीरो, और अगर ऐसे दे तो क्या लिखेंगे, कम। दूसरी बात देखो, आंतरिक रेजिस्टेंस है या इसके अलावा इसकी चालकता अगर पूछ ले, ठीक है, आंतरिक प्रतिरोधकता लिख देते हैं अपने यहां पर, प्रतिरोध या प्रतिरोधकता क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, और आंतरिक इसकी चालकता जो होगी, कंडक्टेंस होगा, सॉरी कंडक्टिविटी जो होगी वो क्या होनी चाहिए, ज्यादा। तो प्रैक्टिकली अगर हमने देखे, ठीक है, प्रैक्टिकली तो क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए, और आइडियल अगर आपको दे दिया तो उस समय क्या होना होगा, अनंत होगा। आइडियल कंडीशन के अंदर क्या लिखेंगे, अनंत लिखेंगे, यही होगा। अब आप लोग यहां से देखें, अगर सीधा सवाल देता है
कि एक वोल्टेज सोर्स होगा उसका आंतरिक प्रतिरोध क्या होना चाहिए, आंसर आएगा कम। लेकिन उसने अगर आदर शब्द का इस्तेमाल किया तो आप लोग क्या लिखेंगे, जीरो। और कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी अगर आपको पूछ ले तो क्या आएगा, अनंत आएगा। ठीक है, फिर एक चीज देखो, आप लोगों ने पढ़ा होगा ट्रांसफार्मर में भी पढ़ा होगा, सेल बैटरी के अंदर भी आपने पढ़ा होगा, समांतर क्रम प्रचालन जो होगा उसके अंदर आपने पढ़ा होगा। देखो मेरे पास क्या है, दो वोल्टेज सोर्स है, ये मान लेते हैं 8 वोल्ट की बैटरी है और ये मान लेते हैं कितने वोल्ट की बैटरी है, ये मान लेते हैं 6 वोल्ट की बैटरी है और यहाँ आपने क्या जोड़ दिया, लोड। अगर मैं दो असमान ईएमएफ स्रोत का यानी कि असमान वोल्टेज सोर्स को अगर मैं सर्किट में जोड़ूंगा, समांतर में जोड़ूंगा, तो इस लोड पर जो होगा वो न तो 8 मिलेगी न 6 मिलेगी, ये कितनी मिलेगी, ये अपने किरचॉफ के नियम से निकाल सकते हैं, किरचॉफ का जो नियम होगा उससे आप लोग यहाँ से निकाल सकते हो। लेकिन एक बात याद रखनी है कि ये 8 है और ये क्या 6 है, तो ये बड़ी बैटरी छोटी बैटरी को चार्ज करती रहेगी, मतलब यहाँ से जो करंट निकलेगी वो दो टुकड़ों में काम करेगी। इसका मतलब दो वोल्टेज सोर्स होंगे यानी कि दो आदर्श वोल्टेज सोर्स होंगे, उनको कभी भी, ठीक है, यानी कि असमान, अगर आपके पास क्या है, दो आदर्श वोल्टेज सोर्स है असमान है, तो उनको कभी भी क्या नहीं जोड़ना चाहिए, समांतर में नहीं जोड़ना चाहिए। मतलब क्या होगा कि दो असमान, ठीक है, विभव स्रोत या वोल्टता स्रोत को, वोल्टेज सोर्स को समांतर में नहीं जोड़ना चाहिए। ठीक है, तो यहां से आपको ये बात याद रखनी है कि दो असमान, और ये कंडीशन आपने ट्रांसफार्मर में भी पढ़ी होगी, आपने इसके अलावा और कहाँ पढ़ा, ट्रांसफार्मर, अल्टरनेटर, सेल बैटरी, सब में आपने पढ़ा होगा कि दो अगर बैटरियों को समांतर में जोड़ना है तो उनकी जो सबसे जो ईएमएफ जो होगा वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, यानी कि उनका ईएमएफ क्या होना चाहिए, सेम नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या करनी है, ये बातें आपको क्या करनी है, याद रखनी है। ये तो था वोल्टेज सोर्स के बारे में। अब इसके अंदर देखो करंट सोर्स के बारे में, जस्ट इसका क्या रहेगा, विपरीत रहेगा। डेफिनेशन आप लोग यहां से बना सकते हो कि जहां मैंने वोल्टेज लिखा था वहां आप लोग क्या लिखेंगे, धारा लिखेंगे, ऐसा ही होगा। जहां मैंने वोल्टेज लिखा था वहां आप लोग क्या क्या करेंगे, यहां करंट लिखेंगे। अब देखो ये जो आदर्श वोल्टेज सोर्स करंट सोर्स होगा जो आगे करंट को फ्लो करने का काम करेगा, वहां इसका प्रतिरोध क्या होगा। अब मान लेते मेरे पास क्या एक LDR है, मैंने क्या जोड़ दिया, यहाँ LDR जोड़ दिया इस तरीके से, ये अपने पास फोटोडायोड का सिंबल है जो LDR की तरह काम करेगा, और ये रेजिस्टेंस, ये लैंप जोड़ दिया मैंने, और यहाँ मेरे को सप्लाई जोड़ दिया। अब आपको पता है कि अगर ये नॉर्मल कंडीशन होगी तो आगे करंट फ्लो नहीं करेगा, अगर ये नॉर्मल कंडीशन में करंट फ्लो करता तो इसका डायोड का इस्तेमाल भी नहीं करते हमने। इसका मतलब ये हुआ कि इसको विशेष पोजीशन या विशेष उपयोग के दृष्टिकोण से आपने यूज किया है। इसका मतलब क्या होगा कि नॉर्मल कंडीशन के अंदर इसका प्रतिरोध क्या रहेगा, हाई रहेगा। मतलब ये जब इस पर, इसके संधि क्षेत्र पर क्या होगा, लाइट गिरेगी तब इसका आंतरिक प्रतिरोध घटेगा, तब ये आगे क्या करेगा, धारा का चालन करेगा। इसका मतलब ये काम क्या करेगा, ये धारा सोर्स का काम करता है, यानी कि आगे जो लोड होगा उसको करंट फ्लो करने का काम करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि आंतरिक इसकी प्रतिरोधकता अगर आपसे पूछी जाए, ठीक है, इंटरनल रेजिस्टिविटी अगर आपको पूछा जाए धारा स्रोत की, तो आपको दो बातें याद रखनी है। प्रैक्टिकली अगर आपसे पूछा जाए, ठीक है, वो तो क्या होगा ध्यान रखना, प्रैक्टिकली अगर हमने बात करें तो प्रैक्टिकली तौर पर अगर हमने देखा जाए तो क्या होगा, ज़्यादा होगा। और इसके अलावा अगर हमने बात करें आइडियल, अगर हमने बात करें तो आदर्श धारा स्रोत की अगर हमने बात करें तो उसका आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा, अनंत होगा। और ये क्वेश्चन आपका DMRC की जो परीक्षा हुई थी 2016 उसके अंदर भी क्वेश्चन पूछा गया था, उसी दिन हरियाणा लाइनमैन का परीक्षण हुआ था उसके अंदर भी टेस्ट हुआ था, उसके अंदर भी क्वेश्चन पूछा गया था, आया था कि धारा स्रोत जो होगा उसका आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा। उसी पेपर के अंदर DMRC वाले में ये दूसरा ये क्वेश्चन था कि आदर्श धारा स्रोत का प्रतिरोध क्या होगा, एक में चालकता पूछ ली उसी क्वेश्चन के अंदर और उसी पेपर के अंदर प्रतिरोधकता भी पूछ ली। ठीक है, तो इस तरीके से आपको याद रखना। इसके अलावा अगर आपको यहाँ प्रतिरोधकता पता है तो आप लोग आंतरिक चालकता भी बता सकते हो। ठीक है, आंतरिक चालकता जो होगी अगर प्रैक्टिकली की हमने बात करें, प्रैक्टिकली की अगर हमने बात करें तो यहाँ क्या आएगा, कम आएगा। और आइडियल अगर आपको दे दिया तो इसकी चालकता क्या होगी, जीरो। तो आदर्श कंडीशन के अंदर चालकता क्या आएगी, इसकी जीरो आएगी। अब तीसरी बात देखो, यहाँ से आप लोगों ने कभी पढ़ा होगा कि बैटरी की जो क्षमता होगी वो एम्पियर घंटा के अंदर होगी। अगर एक बैटरी की क्षमता 8 एम्पियर घंटा, दूसरे की 4 एम्पियर घंटा है,
और आपने दो बैटरियों को यहाँ इस तरीके से जोड़ दिया, ये पहली बैटरी है और ये मान लेते अपने पास दूसरी बैटरी है, इसकी एम्पियर घंटा क्षमता 8 है और इसकी कितनी है 4 है, और यहाँ मैंने क्या जोड़ दिया, कोई लोड जोड़ दिया। अब आपको पता है अगर मैं इनको सीरीज में जोड़ रहा हूँ, अगर मैं इनको क्या जोड़ रहा हूँ, सीरीज में जोड़ रहा हूँ, तो दोनों के अंदर से तो करंट निकलेगी वो सेम निकलेगी, मान लेते हैं 2 एम्पियर की करंट दे रहे हैं। ये अगर अपने बात करें तो ये तो 4 घंटे में डिस्चार्ज होगी, जबकि कितने घंटे में डिस्चार्ज होगी, 2 घंटे में होगी, तो ये तो 2 घंटे बाद डिस्चार्ज होगी। अगर ये डिस्चार्ज होगी तो ये ओपन सर्किट की तरह क्या करेगी, काम करेगी, और ये जो बैटरी होगी अब इसका कोई काम नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 असमान धारा स्रोत को कभी भी क्या नहीं जोड़ना चाहिए, सीरीज में नहीं जोड़ना चाहिए। तो ये बात आप लोग याद रखेंगे कि 2 असमान धारा स्रोत होगा, ठीक है, असमान धारा स्रोत को कभी भी, ठीक है, समांतर में सीरीज में नहीं जोड़ना चाहिए, उनको समांतर में जोड़ा जा सकता है, श्रेणी में नहीं जोड़ना चाहिए। अब ये दो बातें आपको यहाँ से याद रखना। इसके अलावा देखो वोल्टेज सोर्स का काम कौन करेगा, सेल बैटरी, ठीक है। इसका एग्जांपल अगर हमने बात करें तो सेल हो गया, बैटरी हो गया, ट्रांसफार्मर हो गया, अल्टरनेटर हो गया, सारे सारे काम क्या करते हैं, ट्रांसफार्मर हो गया, डीसी जनरेटर हो गया, ये सारे सारे काम क्या करते हैं, ये वोल्टेज सोर्स का काम करते हैं। और इनका आंतरिक प्रतिरोध कभी भी देख लेना हमेशा क्या होगा, कम होना। सारा स्रोत की अगर हमने बात करें तो LDR हो गया, ठीक है, फोटो डायोड हो गया, 80R हो गया, और इसके अलावा ट्रैक हो गया, सारे के सारे काम क्या करते हैं, धारा स्रोत की तरह काम करते हैं, GT हो गया, तो ये सारे के सारे करंट सोर्स के रूप में काम करते हैं, डायरेक्ट ट्रैक, MOSFET, FET, UJT, ये सारे करंट फ्लो करने का क्या करते हैं, काम करते हैं। तो ये पहला जो पॉइंट रहेगा जो पेपर के लिहाज से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो क्या है, वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स। अब अपने बात करेंगे कंट्रोलिंग मेथड के बारे में, बात करेंगे कि वोल्टेज कंट्रोल कौन सा होगा और करंट कंट्रोल कौन सा होगा। देखो वोल्टेज कंट्रोल और करंट कंट्रोल के बारे में बात करेंगे तो यहाँ हमने बात करेंगे वोल्टेज कंट्रोल की, इसका मतलब वोल्टेज नियंत्रण, और यहाँ हमने बात करेंगे तो करंट कंट्रोल। देखो अपने पास क्या दो चीज़ें हैं, आपने पढ़ा होगा SCR, SCR के अंदर क्या होता है कि गेट धारा का नियंत्रण करके आउटपुट चेंज करते हो। इसी तरीके से अपने पास क्या होता है, ट्रांजिस्टर होता है, BJT ट्रांजिस्टर होगा। ट्रांजिस्टर के अंदर आपको पता है IE बराबर क्या होगा, IB प्लस क्या होगा, IC, और कलेक्टर धारा जो होगी वो किस बात पर डिपेंड करेगी, वो बेस करंट पर। अगर बेस करंट बढ़ेगी तो कलेक्टर करंट घटेगी, इसका मतलब यहाँ बेस करंट का मान चेंज कर रहे हो आप लोग। इसी तरीके से जो SCR था उसके अंदर गेट धारा का मान चेंज कर रहे हो। इसी तरीके से आपको याद रखना है जो एफईटीज होगा इसके अंदर अपने काम क्या करते हैं, ये जो N चैनल मान लेते हैं, ये P चैनल है, और यहाँ से ये गेट निकलेगा, इस गेट का जो ये एरिया जो है, ये एरिया चेंज होगा, यहाँ पर मैं जो वोल्टेज चेंज करूँगा उसकी वजह से। इसका मतलब यहाँ से जो आउटपुट निकलेगी, जो ड्रेन करंट निकलेगी, इलेक्ट्रॉन अगर बाहर जा रहे हैं तो करंट अंदर आएगी इसके अंदर, तो ये जो ड्रेन धारा जो होगी, क्योंकि इस टर्मिनल को ड्रेन बोलेंगे, जहाँ से धारा बाहर निकले या धारा अंदर आएगी, तो ये जो टर्मिनल जो होगा, इस टर्मिनल को हमने बोलेंगे ड्रेन, और यहाँ से जो करंट निकलेगी वो ड्रेन धारा होगी। तो इस ड्रेन धारा का जो नियंत्रण करेंगे वो इस इनपुट के अंदर इस वोल्टेज का मान चेंज करेंगे, तो इस गेट की जंक्शन का मान ये जो होगी ये कभी बढ़ेगी और कभी घटेगी। तो यहाँ से हमने काम किया कि इनपुट जो आउटपुट जो चेंज कर रहे हो, अगर वो इनपुट के अंदर वोल्टेज के द्वारा चेंजिंग हो रही है तो वो वोल्टेज कंट्रोल है, अगर इनपुट के अंदर करंट चेंज करके आउटपुट चेंज करोगे तो वो क्या है, करंट कंट्रोल है। तो इसका मतलब ध्यान रखना यहाँ से कि आपका जो आउटपुट जो है, अगर आउटपुट जो है, ठीक है, यदि आउटपुट क्या होगा, ठीक है, यानी कि इसमें आउटपुट क्या करेंगे, इनपुट वोल्टेज को चेंज करके किया जाता है, इनपुट वोल्टेज को चेंज करके बदला जाता है, ठीक है, तो ये कौन सा होगा, ये करंट कंट्रोल होगा। इसके अगर हमने बात करें तो ये कौन सा, सॉरी, ये तो वोल्टेज कंट्रोल होगा और ये कौन सा होगा, करंट कंट्रोल। तो इसके एग्जांपल की अगर हमने बात करें तो FET हो गया, MOSFET हो गया, ठीक है, इसके अलावा IGBT हो गया, ये सारे के सारे हो क्या है, और यह UJT हो, ये सारे के सारे वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है। करंट कंट्रोल की अगर हमने बात करें तो BJT ट्रांजिस्टर हो गया, और इसके अलावा आप लोग देखोगे ट्रैक हो गया और GT हो गया, ये सारे के सारे कौन से होते हैं, ये सारे के सारे कौन से होते हैं, करंट कंट्रोल होते हैं, क्योंकि इनपुट के अंदर इसके अंदर करंट का मान चेंज करके आउटपुट क्या करते हैं, चेंज करते हैं।
तो वोल्टेज कंट्रोल और करंट कंट्रोल, यहां से सवाल बहुत बार पूछा गया है कि बीजेटी क्या है और एफईडी क्या है, दो ये जोड़े में आते हैं, तो बीजेटी के लिए आएगा धारा कंट्रोलर, ये कौन सा है, वोल्टेज कंट्रोल है। तो इस तरीके से आप लोग यहां से क्या कर सकते हो बता सकते हो। अगला जो इसके अंदर रहेगा वो रहेगा ऑपरेट, एक तो अपने पास रहेगा वोल्टेज ऑपरेट रहेगा, एक अपने पास क्या रहेगा करंट ऑपरेट रहेगा। तो यहां अपने बात करेंगे वोल्टेज ऑपरेट, और दूसरा अगर अपने बात करें तो ये कौन सा रहेगा करंट ऑपरेट रहेगा। देखो करंट ऑपरेट और वोल्टेज ऑपरेट का हिंदी में जो मतलब रहेगा वो क्या रहेगा, देखो वोल्टेज ऑपरेट का मतलब होगा वोल्टता प्रचालित, ठीक है, यानी कि आगे डिवाइस लिख सकते हो वोल्टेज ऑपरेट डिवाइस, यानी कि वोल्टता प्रचालित युक्ति। इसका मतलब वो युक्तियां जो वोल्टेज के कारण काम करती है, वोल्टता प्रचालित क्या होगी युक्ति होगी, यानी कि जो काम क्या करेगी वोल्टेज के या तो वृद्धि हो या क्या हो कमी हो, तो उन दोनों की वजह से जो काम करेगी वो वोल्टेज ऑपरेट होगी। इसी तरीके से जो करंट के कारण काम करेगी, करंट का मान कम हो या ज्यादा होने की वजह से जो काम करेगी उस वजह से होगी, वो कौन सी होगी अपनी करंट ऑपरेट होगी। तो वोल्टेज ऑपरेट का मतलब जो काम क्या करती है, जो युक्तियां काम क्या करेगी वोल्टेज होगा, इस वोल्टेज में क्या करेगी कमी या ठीक है वृद्धि के कारण क्या करती है काम करती है, वृद्धि के कारण क्या होगी ऑपरेट होती है, तो वो तो वोल्टेज ऑपरेट होगी। इसी तरीके से करंट के बारे में बात करेंगे तो वो करंट के कारण या तो कम होगा तब काम करेगी या ज्यादा होगा तब काम करेगी। अब ये वोल्टेज ऑपरेट होगा ये दो प्रकार की होगी, एक तो होगा अपने पास अवर वोल्टेज और एक अपने पास करेंगे तो इसके अंदर कौन सा होगा अंडर वोल्टेज, ठीक है। जो युक्तियां समांतर क्रम में काम करती है वो सारी की सारी कौन सी होती है, वो हमेशा क्या होगी अवर वोल्टेज होगी, सॉरी वोल्टेज कंट्रोल ऑपरेट होगी। तो अवर वोल्टेज कौन सी होगी, रिले जो होती है, ठीक है, रिले की अगर हमने बात करें तो ये अवर वोल्टेज होता है। इसके अलावा लाइटनिंग अरेस्टर्स होते हैं, लाइटिंग अरेस्टर्स होता है, ये भी वोल्टेज का मान जो होता है वो ज़्यादा होने पर काम करेगा, ठीक है। तो ये अवर वोल्टेज होगी, तो रिले या लाइटनिंग अरेस्टर जो होगा वो इस अवर वोल्टेज के कारण काम करेगा। अंडर वोल्टेज, अंडर वोल्टेज की अगर हमने बात करें तो जो NVCs होती है, नो वोल्ट कॉइल जिसको हमने कहते हैं, या इसका दूसरा नाम क्या याद रखेंगे, होल्डिंग जो होगी, ठीक है। तो ये NVC काम क्या करती है, जो सप्लाई वोल्टेज होती है उसका 80% जब हो जाती है तो इसका जो चुंबकीय क्षेत्र होगा उस हैंडल को छोड़ देगा और ये अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाएगी। तो NVC कौन सी है, ये अंडर वोल्टेज रिले है, और ये वोल्टेज का कितना परसेंट होने पर काम करेगी, 80% होने पर काम करती है। तो यहां से सवाल ये पूछा जा सकता है कि NVC कौन सी युक्ति है, अवर वोल्टेज, अंडर वोल्टेज, अवर करंट और अंडर करंट। तो यहां से इनके बारे में आपको याद रखना। इसके अलावा रिले जो होती है वो अंडर वोल्टेज रिले भी होती है। तो रिले का वर्किंग प्रिंसिपल सभी प्रकार का होता है। तो करंट के अंदर मैंने बताया था कि जो करंट के कारण काम करेगी, वृद्धि हो या कमी हो, तो वो कौन सी होगी, करंट ऑपरेट होगी। ये भी दो प्रकार की होगी, तो एक तो हमने बात करेंगे अवर करंट और एक हमने बात करेंगे अंडर करंट। ठीक है, अब देखो अवर करंट का मतलब ये होगा जो करंट के मान ज्यादा होने पर काम करेगी। ठीक है, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा फ्यूज हो गया, MCB हो गया, ठीक है, MCCB हो गया। इसके अलावा आपको ध्यान रखना ELCB होगी, ELCB या RCCB, ये भी क्या होती है, ये करंट ऑपरेट होगी, लेकिन ये किस वजह से काम करेगी, ये लीकेज करंट के कारण काम करती है। जो लीकेज करंट होगा उसमें वृद्धि होने पर क्या करेगी, काम करेगी। और अंडर करंट का मतलब ये होगा जो वोल्टेज का करंट का मान कम होने पर काम करेगा। तो इसका मतलब यहां जो होगा इसके अंदर आप लोग एक चीज याद रखेंगे, रिले जो होगी वो अंडर करंट रिले भी होती है, और अवर करंट रिले आपको ध्यान रखना रिले जो होती है वो सभी प्रकार की होगी। अब यहां से आपको याद रखना है कि अवर करंट के अंदर फ्यूज, MCB, MCCB, LCB सारे आएंगे। फ्यूज आपने देखा होगा सर्किट के अंदर कि अगर करंट का मान बढ़ रहा है तभी वो क्या करेगा, काम करेगा, अगर करंट का मान कम हो रहा है उसकी क्षमता से तब ये काम नहीं करेगा। तो ये कोई भी युक्तियां जो होगी हमेशा ये सारी की सारी क्या होगी, ये एक दो तीन और ये सारी करंट का मान बढ़ने पर काम करेगी, जबकि ELCB और RCCB होगी ये दो चीज़ों के अंदर जो करंट का जब अंतर होगा तब ये काम करेगी। ठीक है, रिले जो आएगी वो अंडर करंट रिले होगी। इसके अलावा देखो करंट के बाद में देखो थर्मल ऑपरेट होगी और एक अपने पास कौन सी होगी, गैस ऑपरेट होगी। थर्मल ऑपरेट डिवाइस देखो थर्मल ऑपरेट
थर्मल ऑपरेट का मतलब होगा ताप, यानी कि जो टेम्परेचर के कारण काम करती है, टेम्परेचर के कारण क्या करेगी, काम करेगी। तो यहां से आपको दो रेजिस्टेंस आपको याद रखना है, ठीक है। एक तो आपने पढ़ा होगा पेटी सी थर्मिस्टर, जिसको क्या बोला जाता है, सेंसिटर। और ये पिछले साल भी क्वेश्चन पूछा गया था, इस साल भी आया था कि पेटी सी थर्मिस्टर कौन सा होगा, सेंसिटर। इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा तो इसका रेजिस्टेंस भी क्या होगा, बढ़ेगा। और ये अपने रेजिस्टेंस के अंदर बात करेंगे कहाँ यूज की जाती है। एक आपने पढ़ा होगा एनटीसी थर्मिस्टर, ठीक है। ये काम क्या करेगा, जब इसका टेम्परेचर बढ़ेगा तो इसका रेजिस्टेंस घटेगा। इसके अलावा आपने पढ़ा होगा थर्मोस्टेट, ठीक है। थर्मोस्टेट भी काम क्या करता है, टेम्परेचर को कंट्रोल करने का काम करेगा। जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो वो पत्तियां हट जाएगी, जब टेम्परेचर कम होगा तो वो वापस क्या होगी, चिपक जाएगी। तो वो भी किसकी वजह से काम करती है, वो भी टेम्परेचर की वजह से क्या करेगी, काम करेगी। तो ये अपना कौन सा रहेगा, टेम्परेचर ऑपरेट डिवाइस, थर्मल ऑपरेट रहेगी, यानी कि ताप या प्रचालित युक्तियां रहेगी। उसके बाद में एक अपने बात करेंगे गैस ऑपरेट डिवाइस, गैस ऑपरेट क्या है कि डिवाइस, यानी कि जो गैस होगी उसकी वजह से काम करती है। और इसका एग्जांपल अगर आप लोग देखें तो आपका सबसे बढ़िया एग्जांपल रहेगा वो रहेगा बुकोल जहरीले, ठीक है। यानी कि जो बुकोल जहरीले है वो अगर अपने बात करें तो ये गैस की वजह से क्या करती है, काम करती है। तो ये गैस ऑपरेट क्या रहेगी, अपने यहाँ डिवाइस रहेगी। तो ये तो थी वोल्टेज करंट सोर्स, ये सारे सारे। अब अपने कुछ और चीज़ों के बारे में बात करेंगे, देखें। तो यहाँ तक आपको अच्छी तरीके से बात आ चुकी होगी समझ में कि थर्मल ऑपरेट कौन सी होगी, वोल्टेज ऑपरेट कौन सी होगी, गैस ऑपरेट कौन सी होगी। तो यहाँ से आप लोग बता सकते हो, ठीक है। अब कुछ और देखें, एक तो हमने बात करेंगे पोलर और एक इसके अंदर बात करेंगे नॉन पोलर, ठीक है। एक इसके अंदर देखो, एक अपने बात करेंगे यूनिपोलर, एक अपने बात करेंगे बाईपोलर। एक यूनिपोलर होगा और दूसरा कौन सा होगा, बाईपोलर होगा। एक इसके अंदर अपने बात करेंगे यूनिडायरेक्शनल और एक अपने बात करेंगे बाई डायरेक्शनल। ये तीनों पॉइंट एक दूसरे से संबंधित है, इसलिए मैंने तीनों को एक साथ लिखा। देखो, सबसे पहले पोलर और नॉन पोलर के बारे में बात करेंगे। एक अपने पास रहेगा पोलर, पोलर का मतलब होगा ध्रुवीय। और एक अपने बात करेंगे नॉन पोलर की, और इसको हिंदी में बोलेंगे अध्रुवीय, ठीक है। अब यहां से देखिए, पोलर जो डिवाइस होगी, पोलर का मतलब ये होगा जिसके ऊपर कहीं ना कहीं प्लस माइनस एनोड कैथोड ऐसे कुछ ना कुछ अंकित किया होगा। मतलब उसको जब आप लोग सर्किट में जोड़ेंगे तो जो टर्मिनल जिससे जोड़ना उसी से जोड़ेंगे, अन्यथा अगर आपने गलत जोड़ दिया तो वो हीट होगा और वो क्या होगी, शॉर्ट हो जाएगी। तो पोलर का मतलब क्या होगा, जिस पर क्या होगी, ध्रुवता अंकित होगी, यानी कि ध्रुव होगा, यानी कि जिस युक्ति पर क्या होगी, ध्रुवता जो होगी वो क्या होती है, अंकित होती है। ध्रुवता क्या की जाती है, मार्ग होती है, अंकित होती है। अब इसके अगर आप एग्जांपल की अगर मैं बात करें तो आपने देखा होगा सेल हो गया, बैटरी होगी। सेल बैटरी पर कभी भी आप लोग देखोगे तो प्लस माइनस जो होगा वो लिखा हुआ मिलेगा आपको। तो इसका मतलब जो होगा, पोलर की अगर मैं बात करें तो सेल एंड बैटरी, ये दोनों की दोनों कौन सी है, पोलर है। इसके अलावा आप लोग देखें डायोड, तो इसके ऊपर कहीं ना कहीं क्या होगा, लिखा होगा। दूसरी बात और देखें, इसके अलावा इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर देखें, इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर देखें। इसके अलावा आपने देखा होगा मूविंग कोयल मीटर होगा, एम्पियर मीटर भी हो सकता है, वोल्ट मीटर। अगर इनमें कॉमन की बात, अगर आपने कॉमन सी बात देखें, इनमें कॉमन सी अगर आपने बात देखें तो ये सारी जो है वो डीसी पर ऑपरेट होती है। ये डीसी पर काम करेगा, ये भी डीसी पर काम करेगा। डायोड को अगर डीसी सप्लाई दोगे तो ये काम करेगा, एसी सप्लाई होगा तो केवल पॉजिटिव पर काम करेगा, नेगेटिव नहीं। सेल बैटरी डीसी का सोर्स है, इसका मतलब ये हुआ। और इसके अलावा चार्जर जो होगा वो भी सी में है, इसका मतलब जो पोलराइज्ड युक्तियां जो होगी वो केवल काम क्या करेगी, डीसी पर क्या करती है, वर्क करेगी। दूसरी बात देखो, जो डीसी पर वर्क करेगी उनमें डायरेक्शन जो होगी करंट की वो हमेशा क्या होगी, एक ही दिशा में चलेगी। मतलब वो दूसरी डायरेक्शन में काम नहीं करेंगे, क्योंकि सेल बैटरी होगा तो करंट जब बाहर जाएगी तो प्लस से माइनस की ओर ही जाएगी, ठीक है। मूविंग कॉइल मीटर होगा तो प्लस से प्लस जुड़ना चाहिए, माइनस से माइनस, तब तो क्या होगा, पॉइंटर इधर क्यों रहेगा। अगर उल्टा जोड़ दिया तो पॉइंटर क्या होगा, इधर नीचे क्यों रहेगा। तो इसका मतलब ये जो युक्तियां होगी ये कौन सी होगी, ये यूनि डायरेक्शनल युक्ति होती है, ठीक है। यानी कि जो ये युक्तियां जो होगी यूनि डायरेक्शनल होती है, यानी कि हिंदी में इसको क्या बोलेंगे, एक दिशीय युक्तियां होती हैं, या यूनिलैटरल भी बोल सकते हो, क्योंकि इनमें करंट का जो फ्लो होगा वो केवल एक ही डायरेक्शन में होगा।
तो पोलर रिक्तियां कौन सी होगी जिन पर ध्रुवता अंकित होगी, प्लस माइनस एनोड के थोड़े से लिखा होगा, ठीक है, प्लस माइनस हो गया, एनोड के थोड़ हो गया, ये कुछ क्या होगा अंकित होगा। नॉन पोलर का मतलब जिस पर कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, ठीक है, यानी कि नॉन पोलर का मतलब क्या होगा, जिस पर ध्रुवता अंकित नहीं होगी, जिस पर ध्रुवता जो होगी वो अंकित अंकित नहीं होती है, ठीक है। दूसरा देखो, अब इसका एग्जांपल देखें आप लोग, कैपेसिटर हो गया, रजिस्टर हो गया, कैपेसिटर हो गया, रजिस्टर यानी कि प्रतिरोध हो गया, इसके अलावा इंडक्टर हो गया, ठीक है, ये हो गया। इसके अलावा अगर आपने देखा होगा, इसके अलावा अगर आप लोग देखो और नॉन पोलर कौन सी होगी, कैपेसिटर हो गया, इंडक्टर हो गया, रजिस्टर हो गया, इसके अलावा मूविंग आयरन हो गया, डायनमो टाइप मीटर हो गया, ठीक है। इसके अलावा आप लोग कोई भी देख सकते हो, इसके अलावा एसी जनरेटर, अल्टरनेट एसी जनरेटर हो गया, जिसको अल्टरनेटर बोलेंगे, जनरेटर हो गया। इसके अलावा यहाँ अगर हमने बात करें तो डीसी मोटर और जो डीसी जनरेटर जो होगा, डीसी मशीन लिख देता हूँ, दोनों चीज़ें आ जाएगी। तो इन पर प्लस माइनस लिखा होगा, इन पर कहीं भी प्लस माइनस लिखा हुआ नहीं होगा, इसका मतलब एसी सप्लाई पर काम में ले सकते हो आसानी से, यानी कि ये युक्तियाँ जो होगी, ठीक है, ये युक्तियाँ एसी पर क्या होती है, ऑपरेट होती है। दूसरी बात अगर हमने बात करें तो ये युक्तियाँ जो कि इनमें करंट का फ्लो दोनों डायरेक्शन में होगा, इसका मतलब प्रतिरोध कौन से होगा, ये द्विदिशीय युक्ति होगी, इंडक्टर द्विदिशीय होगी, कैपेसिटर भी द्विदिशीय। लेकिन यहाँ से याद रखना कि इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर जो होगा ये द्विदिशीय नहीं है। अब सवाल यहाँ से देखो क्या पूछा जाता है, हमने पढ़ा होगा कि इनमें से कौन सा कैपेसिटर होगा जिसको विपरीत जोड़ने पर, विपरीत जोड़ने पर वो गर्म होगा, या जोड़ते समय ध्रुवता का ध्यान रखना पड़ता है, तो इलेक्ट्रोलाइट। आपने ये भी क्वेश्चन पढ़ा होगा, ठीक है, कि इनमें से कौन सा है वो पोलर या ध्रुवीय कैपेसिटर है, तो इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि इस पर ध्रुवता अंकित होती है, इन पर किसी भी ध्रुवता अंकित नहीं होती, और ये सभी क्या होती है, ये युक्तियां क्या होगी, बाई डायरेक्शनल होती है, ठीक है। तो ये बात आपको यहाँ से क्या करनी है, याद रखनी है कि ये युक्तियाँ कौन सी होगी, ये बाई डायरेक्शनल युक्तियाँ होगी। तो पोलर का मतलब तो ये होगा जिस पर प्लस माइनस लिखा होगा कहीं ना कहीं, जो नॉन पोलर का होगा जिसके ऊपर कुछ। अब अपने बात करेंगे यूनिपोलर और बाईपोलर के बारे में, कि यूनिपोलर किन्हें कहेंगे और बाईपोलर किन को कहेंगे। देखो नाम से ही पता चल रहा है कि यूनिपोलर एक ध्रुवीय है, और बाईपोलर का मतलब रहेगा द्विध्रुवीय। एक ध्रुवीय का मतलब ये होगा जिनमें करंट का जो फ्लो होगा वो केवल एक ही प्रकार के आवेश वाहकों के कारण होगा, और बाईपोलर का मतलब ये होगा जिनमें करंट का जो फ्लो होगा वो दोनों प्रकार के आवेश वाहकों के कारण होगा। तो यूनिपोलर का मतलब क्या रहेगा, एक ध्रुवीय, ठीक है, यानी कि जिनमें पोलर पोल जो चलेंगे, यानी कि जो आवेश वाहक चलेंगे वो केवल एक ही प्रकार की ध्रुवता रखेंगे। और बाईपोलर का मतलब क्या होगा, द्विध्रुवीय, यानी कि जिनके अंदर जो करंट फ्लो होगा वो किसकी वजह से होगा, वो दोनों प्रकार के आवेश वाहकों के कारण होगा। अब यहाँ से एक चीज़ ये पता चल रही है कि यूनिपोलर के अंदर अभी बताया था कि एक ही प्रकार के क्या होंगे, आवेश वाहक होंगे, यानी कि एक ही प्रकार के क्या होंगे, आवेश वाहक, या तो वो इलेक्ट्रॉन होंगे या क्या होंगे, होल होंगे। और यहाँ से अगर हमने बात करें तो कम से कम कितने प्रकार के होंगे, दो प्रकार के आवेश वाहक होंगे। तो बाईपोलर का मतलब ये होगा, आपने पढ़ा होगा रेजिस्टेंस, इसके मैं अगर एक एग्जाम्पल की बात करूँ तो इसके अंदर हमने बात करें रेजिस्टेंस हो गया, इंडक्टर हो गया, रेजिस्टेंस हो गया, इसके अलावा इंडक्टर हो गया, कैपेसिटर हो गया, ये सारे के सारे अगर हमने बात करें जो करंट का जो फ्लो करेगा करंट इलेक्ट्रॉन की वजह से ही करते हैं। इसके अलावा कंडक्टर हो गए, चालक जितने भी होते हैं, सारे के सारे को जो करंट का फ्लो करेंगे वो किसकी वजह से करेंगे, धारा की करंट की वजह से, इलेक्ट्रॉन की वजह से करेंगे। इसके अलावा एन चैनल हो गया, एन चैनल दो युक्तियाँ होती है, एक तो अपने पास एफईटी होगा और एक एफईटी के साथ साथ क्या होगा, मॉस्फेट होगा। ये जितनी भी मैंने आपको बताई इनमें सारा का सारा जो रीजन होगा वो इलेक्ट्रॉन होगा। इसके अलावा मैं अगर एक चीज़ और बात करूँ, पी चैनल, पी चैनल एफईटी होगा और पी चैनल क्या होगा, मॉस्फेट होगा। पी का मतलब क्या होगा, जिनमें मुख्य आवेश वाहक क्या होंगे, होल होंगे। तो इसका मतलब इनमें केवल किसकी वजह से होंगे, होल्स की वजह से होंगे। इसका मतलब इनमें केवल इलेक्ट्रॉन होंगे, इनमें केवल क्या होंगे, होल्स होंगे, केवल, यानी कि एक ही प्रकार के क्या होंगे, चार्ज कैरियर होंगे। यहाँ आपने बात करें बाईपोलर, तो एक आपने पढ़ा होगा बीजेटी, इसके अलावा डायोड, ठीक है, इसके अलावा एससीआर, नाम से आपको पता, इसके अंदर देखा होगा, नाम से तो नहीं पता चलेगा। एससीआर का अगर आप लोग देखेंगे, चार लेयर होगी, तीन जंक्शन होगी, और पी और एन दोनों प्रकार की होगी, डायरेक्ट ट्राई के जितने भी होते हैं सब के अंदर जो करंट फ्लो होगा ये इलेक्ट्रॉन और होल दोनों की वजह से होगा, ठीक है।
इसके अलावा मैं कुछ चीजें और बता रहा हूँ आपको, थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे, ठीक है। तो ये तो थी जिनमें आवेश वाक्य एक ही प्रकार के होंगे, इनका मतलब जिनमें दोनों प्रकार के क्या होंगे, आवेश वाक्य होंगे। इसके अलावा देखो मैं एक चीज और बता रहा हूँ, धारा प्रवाह, ठीक है। तो आपने पढ़ा होगा ठोस, द्रव, ठीक है, गैस हो गया, इसके अलावा चालक हो गया, अर्धचालक हो गया, सेल बैटरी होगी, ठीक है, और एक अपने पास क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट होगा। किसी के अंदर भी अगर आपसे पूछे कि धारा का प्रवाह का कारण क्या होगा, ठीक है, तो आप लोग यहां से क्या कर सकते हो, बता सकोगे। तो ठोस के अंदर जो करंट का जो प्रवाह होगा वो केवल किसकी वजह से होता है, इलेक्ट्रॉन। और ये जितने भी आप लोग जो कंडक्टर देखते हो ये सारे के सारे क्या होते हैं, ठोस ही होंगे। तो इनमें एक धारा का प्रवाह होगा वो इलेक्ट्रॉन की वजह से होगा। लिक्विड जो होता है, इनमें लिक्विड जब होगा वो आयनों में टूटेगा, तो ये आयन्स की वजह से करेगा, और आयन्स अगर हमने देखें तो पॉजिटिव भी होगा और नेगेटिव होगा। ये द्रव के रूप में काम करेगा, मतलब इलेक्ट्रोलाइट होगा। सेल बैटरी की हमने बात करें तो सेल बैटरी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट लिक्विड रूप में भी हो सकता है और ठोस रूप में भी हो सकता है। इसी तरीके से जो इलेक्ट्रोलाइट और सेल बैटरी में धारा का जो प्रभाव होगा वो आयन्स की वजह से होगा, ठीक है, और आयन्स इसमें ध्यान रखना पॉजिटिव और नेगेटिव होगा। इसके अलावा ध्यान रखना इलेक्ट्रोलाइट के अंदर भी ये सेम होगा। गैस की अगर हमने बात करें तो गैस के अंदर क्या होगा, एक तो इलेक्ट्रॉन चलेगा और साथ में पॉजिटिव और नेगेटिव क्या रहेगा, आयन रहेगा। चालक के अंदर अगर हमने बात करें तो इलेक्ट्रॉन के कारण होगा, अर्धचालक की बात करें तो इलेक्ट्रॉन और होल्स के कारण होगा। तो किसी का भी अगर आपसे पूछा जाए तो आप लोग यहां से क्या कर सकते हो, बता सकोगे। अब हमने बात करेंगे यूनि डायरेक्शनल और बाई डायरेक्शनल। नाम से ही पता चल रहा है यूनि, यूनि का मतलब क्या होगा, एक दिश है, और बाई डायरेक्शनल का मतलब होगा द्वि दिश है। इसका मतलब जिनमें करंट का जो फ्लो होगा वो केवल एक ही दिशा में होगा उसको यूनि डायरेक्शनल बोलेंगे, जिसके अंदर दोनों की वजह से होगा उसको बोलेंगे बाई डायरेक्शनल। तो यहां से जो आपको सवाल पूछा जा सकता है वो क्या पूछेगा कि इनमें से एक दिशा युक्ति कौन सी है और द्वि दिशा कौन सी है। यूनि डायरेक्शनल को आप लोग क्या लिख सकते हो, यूनिलैटरल भी लिख सकते हो, यूनिडायरेक्शनल, या इसको क्या लिखेंगे, यूनिलैटरल। दोनों का मतलब रहेगा एक दिशीय, ठीक है, यानी कि एक दिशीय। अब यहां से आपको यह बात तो पता चल गई कि धारा का जो प्रवाह होगा वो केवल एक ही दिशा में होगा, मतलब करंट की जो डायरेक्शन रहेगी, धारा की दिशा, धारा क्या होगी, एक ही दिशा में फ्लो होगी, एक ही डायरेक्शन के अंदर, एक ही दिशा में क्या होगी, फ्लो होती है। इनमें एक दिशा के अंदर करंट की जो फ्लो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, एक होगी। और बाई डायरेक्शनल की अगर हमने बात करें तो बाई डायरेक्शनल जो होगा इसके अंदर क्या होगा, धारा का जो प्रवाह होगा वो दोनों दिशाओं में होगा, यानी कि करंट क्या चलेगी, दोनों डायरेक्शन के अंदर चलेगी। अब अगर इसके एग्जाम्पल, यहां से आपको एग्जाम्पल ही पूछे जाएंगे, इनमें से कौन सा एक दिशा और कौन सा द्विदिशा। आपने डायोड पढ़ा होगा, डायोड कौन सा होगा, डायोड एक दिशा होगी, ठीक है, डायोड होगा वो कौन सा होगा, एक दिशा होगी। सेल और बैटरी क्या होती है, एक दिशा होती है, करंट का फ्लो पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर करेगी। इसी तरीके से अगर हमने बात करें यहाँ पर सेल बैटरी के अलावा इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर हो गया, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर भी क्या करेगा, डीसी सप्लाई पर काम करेगा, तो ये भी एक दिशा यूनिडायरेक्शनल हो गया। इसके अलावा बाई डायरेक्शनल की बात करें, ठीक है, तो इसके अंदर एग्जाम्पल की अगर हमने बात करें यहाँ पर, तो आपने पढ़ा होगा डायक ट्रायक मोसफेट, ये सॉरी डायक पढ़ा होगा, ट्रायक पढ़ा होगा, तो ये सारे के सारे क्या बाई डायरेक्शनल होते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग देखें, रेजिस्टेंस हो गया, इंडक्टर हो गया और कैपेसिटर हो गया, ये भी क्या होती है, बाई डायरेक्शनल होती है, करंट का जो फ्लो होगा वो दोनों डायरेक्शन के अंदर इसके अंदर होगा। तो ये तो थी यूनि डायरेक्शनल और बाई डायरेक्शनल कौन सी होगी। करंट फ्लो जिनमें एक डायरेक्शन में होगा वो यूनि है, जिसके अंदर दोनों में होगा वो बाई है। अब इसके अंदर देखो कुछ पॉइंट और अपनी बात करेंगे यहाँ पर। एक अपने पास रहेगा लीनियर और एक रहेगा नॉन लीनियर, यानी कि एक अपने बात करेंगे लीनियर और एक अपने बात करेंगे नॉन लीनियर, यानी कि एक अपने बात करेंगे रैखिक कौन सी होगी, अरैखिक कौन सी होगी। फिर अपने बात करेंगे यहाँ एक्टिव और पैसिव, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, एक्टिव और एक कौन सा रहेगा, पैसिव रहेगा। और यहाँ अगर हमने बात करें तो एक रहेगा अपने ओमिक और एक रहेगा अनओमिक या नॉन ओमिक, अनओमिक लिख देते हैं इसको, ठीक है। तो सबसे पहले देखो लीनियर, लीनियर का मतलब क्या रहेगा, रैखिक। लीनियर डिवाइस कौन सी होगी, रैखिक, या रेखीय युक्तियां कौन सी होगी। और दूसरा अगर हमने बात करें तो वो रहेगा नॉन लीनियर, यानी कि क्या होगी, अरैखिक रहेगी। तो नॉन लीनियर कौन सा होगा और लीनियर कौन सा होगा, इसको बोलेंगे
रैखिक या अरेखीय। देखो रेखीय युक्तियां वो होगी जिसके अंदर धारा, वोल्टेज और करंट का बीच का जो ग्राफ बनेगा वो एक सरलरेखा बनेगी, क्योंकि ये इनपुट का काम करेगा, ये आउटपुट, यानी कि ऐसी युक्ति जिसके अंदर इनपुट और आउटपुट सेम रेशियो के अंदर चलते हैं, यानी कि आउटपुट जो होगा वो इनपुट के समानुपात में बढ़ेगा, तो उसको क्या बोलेंगे, रैखिक। यानी कि आउटपुट जो होगा, आउटपुट ठीक है इनपुट के क्या बढ़ता है, समानुपात में परिवर्तित होता है, यानी कि इनपुट अगर बढ़ रहा है तो आउटपुट भी बढ़ रहा है, इनपुट अगर घट रहा है और आउटपुट भी घट रहा है, तो वो तो कौन सी होगी, रैखिक। इसके अलावा जिनके अंदर ये ग्राफ ऐसा नहीं बनेगा वो कौन सी होगी, अपने पास वो होगी नॉन लीनियर, यानी कि इनमें इनपुट और आउटपुट सेम रेशियो या समान अनुपात में चेंज नहीं होता, समान अनुपात में ठीक है चेंज क्या होगा, नहीं होता। अब यहां से देखिए लीनियर युक्तियां कौन सी होगी, लीनियर के अंदर अगर अपने बात करें तो जैसे अपने पास क्या हो गया, रेजिस्टेंस हो गया, इंडक्टर हो गया, कैपेसिटर हो गया, ये सारी की सारी कौन सी युक्तियां, ये रेखीय युक्तियां। और अरेखीय की अगर अपने बात करें तो यहां से अगर अरेखीय युक्तियां अगर निकालें तो डायोड जो होगा ठीक है, डायोड हो गया, ट्रांजिस्टर हो गया, तो इनका वक्र देखेंगे तो वो अलग अलग तरीके से बनता है ठीक है। इसके अलावा जो पीछे मैंने आपको बताया था एक दिशीय और एक ध्रुवीय और द्विध्रुवीय, बाकी जितने भी जो डायोड होते हैं वो सारी द्विध्रुवीय होंगे, लेकिन एक डायोड एक ऐसा होगा जो एक ध्रुवीय होगा, यूनिपोलर होगा, जो आपको यहाँ याद रखना है स्कॉट की डायोड, तो ये आपको थोड़ा सा यहाँ याद रखना है, ये नोट कर लेना, स्कॉट की डायोड के अंदर करंट का फ्लो केवल इलेक्ट्रॉन के कारण होगा और ये यूनिपोलर युक्ति है, ये आपको यहाँ से याद रखना है। तो ये आपके पास लीनियर रहेगा, ये कौन सा रहेगा, नॉन लीनियर रहेगा, तो इनपुट और आउटपुट जो होगा वो इनपुट जो होगा वो सेम रेशियो में नहीं होंगे, और इसके अंदर आउटपुट जो होगा वो इनपुट के समानुपात में बढ़ेगा, इसका मतलब आउटपुट और इनपुट इन दोनों का अगर मैं रेशियो निकालूंगा तो एक आएगा, एक अनुपात एक बनेगा, जबकि इसके अंदर ये जो रेशियो होगा वो एक के बराबर नहीं होगा, यानी कि एक के बराबर ये रेशियो नहीं होगा यहाँ पर ठीक है। तो ये बात आपको यहां से याद रखना है कि ऐसी युक्ति जिसके अंदर आउटपुट जो होगा वो इनपुट के समानुपात में बढ़ेगा वो तो होगा रेखीय, और जिसके अंदर ऐसा नहीं होगा वो अरेखीय होगी। इसके अंदर आरएलसी याद रखेंगे, इसके अंदर डायोड ट्रांजिस्टर जो अर्धचालक युक्तियां होंगी वो आएगी। एक चीज और देखो, ये मैंने लिखा ओमिक और ये लिखा अनोमिक, यानी कि एक तो आएगी ओमीय युक्तियां, एक आएगी अनोमीय। ओमीय युक्तियों के अंदर अगर हमने बात करें तो वोल्टेज और करंट का जो ग्राफ बनेगा वो ऐसी सरलरेखा बनेगी, और इनके अंदर ऐसा नहीं बनेगी। तो ऐसी युक्तियां जो ओम के नियम का पालन करती है वो कौन सी होगी, ओमिक होगी, और जो ओम के नियम का पालन नहीं करेगी वो कौन सी होगी, अनोमिक होगी। रेखीय युक्तियां कौन सी होगी, ओमिक होगी, और अनोमिक कौन सी होगी, वो अरेखीय होगी। तो यहां से एक बात ये आपको याद रखना है ठीक है, रेखीय युक्तियां जो होगी, यानी कि रेखीय युक्ति कौन सी होती है, ओम के नियम का क्या करती है, पालन। और इसके अगर अपने बात करें, और इसके अंदर अगर हमने बात करें तो ओम के नियम का पालन नहीं करती। अब एक जो सबसे लास्ट टॉपिक है एक्टिव और पैसिव कंपोनेंट, उसके बारे में बात करें। तो अब हमने बात करेंगे एक्टिव कौन सा होगा और पैसिव कौन सा होगा। तो देखो यहां सबसे ये लास्ट टॉपिक है और इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो एक्टिव कंपोनेंट कौन सा होगा, पैसिव कंपोनेंट कौन सा होगा, इसके अपने पहले एग्जाम्पल दूंगा मैं, और उसी एग्जाम्पल से इसके सारी डेफिनेशन होंगे वो अपने कलेक्ट कवर करेंगे ठीक है। तो एक तो अपने बात करेंगे एक्टिव कंपोनेंट, इसको कंपोनेंट बोल दो, अवयव बोल दो, एलिमेंट बोल दो, ऐसे कुछ भी लिखा सकते हैं, यानी कि सक्रिय तत्व। और यहां से अगर हमने बात करें तो वो रहेगा कौन सा, पैसिव। पैसिव का मतलब क्या रहेगा, निष्क्रिय एलिमेंट। ठीक है, देखो एक्टिव कौन सा होगा, एक्टिव का मैं एक एग्जांपल लिखता हूं। एक तो मैंने लिखा डायोड और ट्रांजिस्टर हो गया ठीक है, और एक अपने बात करेंगे किसके अंदर, ऑसिलेटर हो गया ठीक है। पैसिव की अगर अपने बात करें तो पैसिव के एग्जांपल अपने बात करें तो आर, एल और सी, इंडक्टर, कैपेसिटर और रजिस्टर। अब यहां से देखिए अगर मैं डायोड की अगर अपने बात करें कि एक्टिव कंपोनेंट किसको बोलेंगे, तो सबसे पहला जो इनकी जो खास बात रहेगी, डायोड को आपको ऑपरेट करना है तो एक सिलिकन का डायोड होगा, एक कौन सा होगा, जर्मेनियम होगा। सिलिकन 0.7 और जर्मेनियम 0.3, इससे कम वोल्टेज पर ऊंचा लगेंगे, यानी कि इनको ऑपरेट करने के लिए अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होगी। रेजिस्टेंस और इंडक्टर या कैपेसिटर, इनको ऐसा कोई भी कंडीशन नहीं होती कि इतनी वोल्टेज से कि धारा का चालन नहीं करेंगे, इतनी वोल्टेज पर करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो इसका मतलब क्या होगा,
इन्हें ऑपरेट करने के लिए यानी कि इनको प्रचालित करने के लिए क्या होगा, अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होगी। ठीक, अतिरिक्त ऊर्जा की क्या होती है, आवश्यकता। ठीक है, लेकिन इसके अंदर अगर मैंने बात किया तो ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं होती। दूसरी बात देखें, इसका एग्जांपल देखें, सिलिकॉन का जो डायोड होगा उसके लिए कम से कम 0.7 वोल्ट चाहिए और जर्मेनियम के लिए कितना चाहिए, कम से कम 0.3 वोल्ट। दूसरा देखो ये काम क्या करेंगे, अगर आप लोग देखें तो रेजिस्टेंस, तो देखो ये काम करेगा, रेजिस्टेंस होगा वो एनर्जी का स्टोर नहीं करता, लेकिन इंडक्टर जो होगा ये एनर्जी को स्टोर करेगा और कैपेसिटर भी करेगा, यानी कि पैसिव एलिमेंट होगा। अगर रेजिस्टेंस को बाहर निकाल दें तो एनर्जी का स्टोर करते हैं, जबकि एनर्जी का ये स्टोर नहीं करते, यानी कि ये काम क्या करते हैं, एनर्जी जो होगी, ऊर्जा का जो भंडारण जो होगा, एनर्जी स्टोरेज नहीं करते। और ये क्या करेंगे, ये करते हैं तो कौन सा, एल जो होगा, इंडक्टर जो होगा ये काम क्या करेगा, जो विद्युत ऊर्जा जो होगी, विद्युत को किस में चेंज करेगा, चुंबकीय ऊर्जा के अंदर। इसी तरीके से अगर हमने बात करें कैपेसिटर के अंदर, तो कैपेसिटर जो विद्युत ऊर्जा होगी उसको स्थिर विद्युत ऊर्जा के रूप में क्या करेगा, स्टोर करेगा। ठीक है, तो यहां से ये बात आपको याद रखना। तीसरी बात देखो, ठीक है, ये धारा और वोल्टेज का स्वरूप बदल देते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता। ये एसी को डीसी में चेंज करने का काम करता है, और ऑसिलेटर सर्किट जो होता है जिसके अंदर हमने ट्रांजिस्टर का यूज करते हैं, वो काम क्या करेगा, डीसी को एसी में चेंज करेगा। तो ये काम क्या करते हैं, धारा या वोल्टता इनके स्वरूप को क्या कर देते हैं, यंत्रंग रूप को क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। ठीक है, जबकि ये जो होगा ये चेंज नहीं करता, ये कोई भी चेंजिंग नहीं करते। और ये आपको पता है डायोड जो होगा ये एसी को क्या करेगा, डीसी में चेंज करेगा। ठीक है, एसी को क्या करेगा, डीसी में चेंज करेगा। और ऑसिलेटर जो होगा ये काम क्या करेगा, डीसी को किस में चेंज करेगा, एसी में। तो ये एक इंपॉर्टेंट चैप्टर था। अब यहाँ से सवाल पूछेगा कि इनमें से कौन सा एक्टिव कंपोनेंट है, RLC3 तो ये एग्जाम्पल दे देगा, इनमें से दे देगा डायोड ट्रांजिस्टर, या बोलेगा इनमें से कौन सा पैसिव कंपोनेंट नहीं है, एक्टिव कंपोनेंट है नहीं है, ऐसे सवाल इसके अंदर पूछा जाता है। इनमें से रेखीय युक्ति कौन सी है, रेखीय युक्ति कौन सी नहीं है, ओमिक युक्ति कौन सी, ओमिक युक्ति कौन सी नहीं है। ठीक है, किसमें धारा और वोल्टेज का ग्राफ जो होगा वो एक सरल रेखा बनेगी, किसमें नहीं बनेगी, और कौन सा एक दिशीय है, कौन सा यूनिपोलर है, कौन सा बाईपोलर है, तो ऐसे सवाल इसके अंदर पूछे जाते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक था धारा स्रोत, वोल्टेज स्रोत, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक था। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा